मेरा नाम विकास, विकास भास्कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, MNC में काम करता हूँ, मगर कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी लगती है कि आदमी सोचता है कि यार ज़िंदगी में जो हुआ हमारे साथ और उसी से हमारा फ्यूचर जो है वो डायग्नोस्टिस्ट मतलब बताता है उसको कि आपका डिसीजन क्या है, किस तरीके से। मतलब कहने का कंसर्न मेरा ये है कि जैसे मैं सॉफ्टवेयर का हूँ, ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा था, जॉब अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी जॉब मेरी, बहुत अच्छी है रियली। मैंने अभी लास्ट ईयर मैंने घर लिया था अपना, सब कुछ सेटल करा उसको सब कुछ। और लॉकडाउन में मैं अपने घर आया था, तो उसमें ये हुआ कि करीब करीब ऑलमोस्ट वो कि पता चल जाता है ये चीज़ कि भाई आपको आप 5 दिन के लिए आए हो, मगर क्या होता है कि जब लॉकडाउन में मैं रुक गया उस समय, तो उसमें ये होता है ना कि मैं इतने टाइम रुका रहा यहाँ पर, 3-4 महीने तो मेरा सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। उसके बाद साथ मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई मेडिकल, उसकी वजह से मतलब अभी मैं लीव पे ही चल रहा हूँ उस समय राइट। एंड उसके कारण क्या रीज़न हुआ कि ज़िंदगी में जो दिखाया मुझे, मैं अपने व्यू में जो अपने व्यूज़ हैं और जो वीडियोज़ हैं वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं किसी से कोई ट्रेनिंग्स नहीं मिली हैं, कुछ नहीं मिली, जो ज़िंदगी मुझे बोल रहा है तो मैं अपने आप को बता रहा हूँ अपने लिए। मतलब कंसर्न में ये बोलूँगा कि मेरा पहला वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोफेशनल्स वाली चीज़ें ना मिले मुझसे, मगर मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा लाइफ की जो मेरे साथ हुई। जॉब मैंने कभी नहीं छोड़ने के लिए कभी सोचा नहीं था, अच्छा चल रहा है मेरा सब कुछ, प्रॉब्लम ही नहीं। मगर मुझे ही लगता है कि शायद जॉब के साथ साथ आपके ना एक एक साथ में एक कुछ आपका पैरेलली एक जॉब के साथ में बिज़नेस होना चाहिए आपके पास। बिज़नेस नहीं है तो जॉब अच्छी है, जॉब नहीं है तो आपकी बिज़नेस है। तो मेरा ये चीज़ देखा कि भाई मुझे लगता है कि सब लोगों को मैं यही बोलूँगा कि मेहनत तो हमने करी जॉब के साथ में, और जॉब में सभी लोग मेहनत करते हैं, और मगर आज मैं 6 महीने हूँ मेडिकल में हूँ, कंपनी वगैरह सपोर्ट मैं तब तक ही दे सकता है जब तक आप काम करोगे। और जब आप फिट हो तब तक तो आपको कंपनी आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे मतलब मैं बोलूँगा जो प्रोजेक्ट में था मैं, तो मैंने 1 साल तक पूरा अपने आप प्रोजेक्ट में हैंडल किया उसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर, मगर आज मैं मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अब उनके पास और बंदे हैं तो मेरी वैल्यू कम हो गई उस चीज़ के लिए। मतलब मैं आपको शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा तो जॉब भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, मगर मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप हिम्मत कर सकते हो किसी काम के लिए, देखो सिक्योरिटीज़ तो जॉब में भी नहीं है, बिज़नेस में भी नहीं है, किस चीज़ में है? जब उसने दिया है करने वाला पेट बनाया है, तो फिर हम ये क्यों सोचें तो हम मेहनत करें? अगर हम बिज़नेस ही कर रहे हैं, जॉब ही कर रहे हैं आप, मेहनत तो आपको दोनों में करना है, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी, मेहनत तो करनी है। जो प्राइमरी चीज़ है वो तो मेहनत है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने लिए अगर मेहनत ही करना है तो फिर अपने काम में करो ना मेहनत। क्या पता कि जॉब में तो तुम उसी एक कंटेनर में ही रहोगे आप, मगर उसके बाद हो सकता है बाहर भी निकल सकते हो उस चीज़ के लिए, मतलब क्रॉस कर सकते हो अपनी चीज़ को, लाइफ को, एक ब्लाइंड को डिसलॉट पोज करते हो, आगे निकल सकते हो उस चीज़ के लिए, और मतलब आप कुछ नया कुछ कर सकते हो अपने देश के लिए अपने। तभी तो जॉब में जब आप ऑफिस में होते हो ना, तो सिर्फ बनाते इस तरीके से हैं एक कि आपके पास सोच ही नहीं होता इसके अलावा। जब आप अपने
सॉर्टिटीज के लिए, अपने सॉरिटीज के लिए, आपके लिए सोलल के लिए सोचता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँ, अपने लिए भी कुछ सोचूँ, अपने फैमिल के लिए, सब चीज़ों की बातें हैं। तो मैं बस ये बोलूँगा कि मेरी बात को सोचिए कि प्रॉब्लम्स तो कभी भी हो सकती हैं किसी को भी। सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज हैं वो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, ना बिजनेस में ना जॉब में। तो अपने लिए ट्राई करो, हिम्मत करो, हो सकता है आपको एक हिस्ट्री भी बना सकता है वो चीज़। मगर आपने मेरे को इतना टाइम दिया सुनने के लिए, मेरी बात कुछ आपको लगी, मेरी बात में कुछ आपको दर्द लगा, मेरी बात में कुछ ऐसा लगा कि प्रैक्टिकली मेरे एक्सपोजर, मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़, अपनी बात कह रहा हूँ, आप लोगों को सुन रहे हो मेरी बात को, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि अगर मेरी बात रखने के बाद आपने सुनी ये बात। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार और बेटर चीज़ों के साथ में कुछ ऐड करूँगा इसमें। ये मेरा पहला वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। बाय।